हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और रिसेंटली मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी कि हमारे टीएसटी टेक्नोलॉजी कंपनी का एक साल हो गया पूरा का, और उसमें मैंने भी लिखा था कि हमने क्या क्या किया, हमारे टीम साइज क्या वगैरह वगैरह। तो आप सभी लोगों के बहुत सारे डीएम आए थे कि आपने पार तो मैं सब किया, जैसे मुझे बताओ वो बताओ। इसके जरिए मुझे दो तीन इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन भी आया कि आप आइए, अपनी जर्नी वगैरह शेयर की। और रिसेंटली कल रात को मैंने एक इंटरव्यू पे गया था, शेयर किया था अपनी जर्नी। तो आज मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बताऊंगा कि टीएसटी का नाम किस तरह से बना, टीएसटी का मतलब क्या है। और ऑलरेडी मैंने आई थिंक 5-7 महीने के लिए एक स्टोरी डाल कर रखी थी कि 6.5 एसपी मेरे को आए थे और उससे लेकर मैंने बिजनेस कैसे क्रिएट। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, आई डेफिनेटली लाइक इट। तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम फर्स्ट सेम से। बाय द वे रिसेंटली लास्ट महीने ही जून में 2022 में मेरा 8th सेम का रिजल्ट है, लेकिन डिग्री अभी तक हाथ में नहीं है, तो यू कैन कॉल मी अंडर बीजी स्टूडेंट। तो ये बात है, जब मैं था फर्स्ट सेम में, किशन बता दो, मेरे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ता था, कॉलेज की लास्ट सीट रैंकिंग वाइज मुझे लास्ट सीट में एडमिशन मिला था। और मेरे लक इतने अच्छे थे कि जहाँ पे कट ऑफ कट हुआ वही मेरा रैंक था। क्या करे भाई, पहले से कुछ करना था छोटा मोटा, मतलब बिजनेस वगैरह करना था। पहले कुछ ज्यादा पता नहीं चलता, इतना पता चलता कि रेस्टोरेंट बिजनेस खोल सकते हैं, रोड का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, तो ये सब करते थे। लेकिन कॉलेज में आने के बाद पता चला कि स्टार्टअप की कुछ चीज होती है भाई, वो कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए कुछ था नहीं, कुछ पता नहीं था, ना ही मुझे सी नहीं करता, सी भी तो नहीं आता था, क्या करें। तो मैंने अपने दोस्त के साथ एक बार डिस्कस करते करते परफ्यूम इंडस्ट्री में कुछ करने का आइडिया है। हम लोग ना परफ्यूम बेचना चाहते, एकदम नेचुरल परफ्यूम्स जो आते हैं ना। यूपी में एक कलोल करके एक जगह थी, मेरे दोस्त वहाँ से कुछ रिसर्च करके आया था, उसका करने जा रहे थे। हमने एक आइडिएशन फेज में थे, हमने शार्थ ग्रुप ऐसा नाम सोचा। एच मेरे दोस्त का नाम शिवम नाम था और बाकी का आर्थ जो था मेरे नाम से शार्थ, हम दोनों का नाम छोड़ के इस तरह शार्थ ग्रुप नाम बना था। हमने लोगो बनाया, हम मार्केट रिसर्च के लिए गए, हम बहुत सारे दुकानों में घूमे कि किस तरह के परफ्यूम वगैरह आज चल रहे हैं, किस तरह के टोन्स वगैरह नॉच वगैरह आज चल रहे हैं, कितनी प्राइसिंग वगैरह है, किस तरह के कस्टमर है। 2-4 महीने बीत गए, हम जस्ट रिसर्च करते रहे। कभी कभार मिड सेम एग्जाम आ जाती थी, एंड सेम एग्जाम आ गई, असाइनमेंट आ गए, वो आ गया, वो आ गया, पता नहीं क्या क्या। लेकिन थोड़े बहुत जो भी अभी मैं डिस्कस करना नहीं था, फोन पे की वजह से मैंने छोड़ दिया। फिर बात में कि कुछ हो ही नहीं रहा था, सामने वाले हमारे जो छोटे मोटे टीम थे उसमें कुछ दम नहीं था वगैरह, राइट। उस वक्त कुछ बात है 4 साल पहले, उसके बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एमएलएम बिजनेस जो बहुत ही घटिया होता है सब बताता हूँ, प्लीज करना मत। कोई बिजनेस बुरा नहीं था, लेकिन डिपेंड्स ऑन अस, मेरा तो उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ था। उसके बाद आया मेरा अभी जो फाउंडर हिरेन, मुझे मिला, हम दोनों ने स्टार्ट किया था ई कॉमर्स स्टोर, जहाँ पे हम टी शर्ट्स बेल्ट शूज इस तरह के फैशनेबल चीजें बेचते थे अपने क्लासमेट को, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को। और मुझे आज भी आज मैंने सबसे पहला प्रोडक्ट उसमें कमाया था ओनली 40 रुपये, 100 रुपये के जिसमें बेचे थे 60% मेरा दोस्त का था, 40% मेरा हिस्सा था। तो 40 रुपये मैंने इस तरह से कमाया था शॉपिंग बड़ी करके। वो डेट थी 30 जनवरी 2020, यस मेरी मम का बर्थडे था भाई, जो उसी दिन मैंने लॉन्च किया था। और जैसा कि आप सभी को बताया जनवरी के एंड में 2020, तो उसके बाद क्या आया होगा, कोरोना। 1.5 महीने में ही हमारा बिजनेस था, बिकॉज ऑफ द डिलीवरी हम कर नहीं पाते थे, तो तब ना ये सब हो रहा था। तो उसके साथ ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, कि मैंने सोचा कि ओके ब्लॉग लिखने से कुछ मिलता है, एक्चुअली मैं राइटर तो पहले से था ही, ऑलरेडी मेरे 10-15 जितने आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छप चुके थे। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, 25-27 मैंने ब्लॉग्स लिखे, लेकिन मेरा इंग्लिश क्या बताओ एक नंबर का भाई है। तो ना तब उस वक्त ग्रामरली डॉक्यूमेंट गूगल डॉक वगैरह यूज़ भी नहीं करते थे, तो इस तरह चीज़ का कुछ यूज़ वगैरह नहीं था। तो 2-4 महीने चलाया तो ठीक है चलता गया। फिर हमने उसके साथ साथ में इन्वेस्टिंग में PPF और म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत डालने लगा था, थोड़ा मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा। लेकिन अचानक एक दिन यूट्यूब देखते देखते मेरे सामने एक चीज़ आई, पॉडकास्ट, मतलब कि हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ओनली ऑडियो रिकॉर्डिंग करके हम अपलोड कर सकते हैं, ये चीज़ मेरे पास है। तो मुझे लगा नहीं इसमें तो कुछ कर नहीं, तो रात के 2-3 बजे थे अराउंड, और मैंने डायरेक्टली नाम सोचा द स्टार्ट टूडे। और मतलब लोगों को इसका मतलब था मुझे कब से कुछ करना था, राइट। आपको मैंने बताया कि मैंने 3-4 अलग अलग चीज़ों में ट्राई मार लिया, तो स्टार्ट टूडे मतलब सोचते नहीं रहना, आज यहाँ स्टार्ट करना। मैंने अपने डिजाइनर फ्रेंड था उसको तुरंत रात को मैसेज किया कि बंद भाई तो मेरा लोगो बना दे इसलिए, ठीक है ना। तो उसने चाहा था लोगो बना दिया स्टार्ट टूडे का, मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया। तो एक दो वीडियोस रिकॉर्ड, सॉरी एक दो ऑडियोस वगैरह रिकॉर्ड किए, अपने सीनियर को भी बुलाया, फिर तो लिंक्डइन पे मैं चला गया दूसरे लोगों के फाउंडर को, फाउंडर और सीईओस को बुलाने के लिए। और स्टार्ट टूडे पॉडकास्ट इतना चल गया कि मेरा पॉडकास्ट मोर देन 40 कंट्रीज में सुना गया। और मैंने अपने पॉडकास्ट पे टेडएक्स स्पीकर, जॉस स्टॉक स्पीकर, एंजल इन्वेस्टर्स, फिर मिलियनर्स, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द बिग कंपनी जिनको फंडिंग में मिली हो, इस तरह के लोगों को इंटरव्यू किया। मेरा नॉलेज भी उससे बढ़ता गया, मुझे लिंक्डइन की अच्छी ग्रिप मिल गई कि मैं लिंक्डइन पे किस तरह से लोगों तक रिचार्ज कर सकता हूँ। तो उसके साथ ही मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी कि लिंक्डइन में आपको मैं पर्सनल ब्रांडिंग करने में हेल्प करूंगा, लिंक्डइन से आपको लीड लाने में हेल्प करूंगा, लिंक्डइन
कंटेंट मैं अपनी मार्केटिंग कर दूंगा। और उसके साथ ही पॉडकास्ट कर रहा था ना, उससे मुझे एक एडटेक आता था, वहाँ पे कोर टीम मेंबर में एज अ मार्केटर रोल भी मिल गया। और दोस्तों उसके साथ ही मुझे एक दूसरे मीडिया एजेंसी थी उसमें भी, वहाँ भी मुझे एक इंटर्नशिप ऑफर मिल गया, वहाँ भी मैं एक उनका टीम मेंबर बन गया। तो ये सब चल रहा था, तो मतलब वो सब हो गया। तो मेरा ना विजन इतना उस टाइम ऐसा था कि हम ऐसा बड़ा फॉर्म बना, छोटा मोटा नहीं बना, कि द स्टार्ट टुडे पॉडकास्ट, द स्टार्ट टुडे स्टॉक्स, द स्टार्ट टुडे टेक, द स्टार्ट टुडे मीडिया, द स्टार्ट टुडे वगैरह वगैरह, ऐसा मतलब इस तरह का पूरा जो ग्रुप ऑफ द कंपनीज हो जैसे गूगल का ऐसा है। तो उस वक्त मुझे आइडिया आया कि हम ना आईटी कंपनी खोलते हैं। अपने दोस्त को मैंने कॉल लगाया, तो मैंने बोला कि हमने डिस्कस की ओके हिरेन भाई तुम वेबसाइट पार्ट हैंडल करोगे, दक्षेश भाई तुम वेबसाइट तुम पार्ट हैंडल करना, मैं ना क्लाइंट लाऊंगा, हम लोग बनाएंगे काम की सब चीज़ें वगैरह दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए हम बनाएंगे सॉफ्टवेयर। तो मार्च का महीना था, आज भी मुझे याद है यार, काफ़ी गर्मी का दिन, तीसरा से मैंने लोगों को कॉल किया था, अपने दोस्तों को कॉन्फ्रेंस कॉल किया था और बन गई थी। और मैंने कन्विंस किया उन दोनों को कि हम बनाते हैं द स्टार्ट टुडे टेक, इट्स हाउ द टीएसटी बिल्ड, टीएसटी द स्टार्ट टुडे टेक। बट टू बी ऑनेस्ट टीएसटी का ऐसा कोई ओनली टीएसटी ट्रबल फ्री रिसीव टेक्नोलॉजी, बिकॉज तब पता नहीं था कि हम कंपनी के नाम के आगे द लगा सके, हम कंपनी के नाम के हम दो नाम रख सके, स्टार्टअप टुडे नाउन और प्रोनाउन, तब पता नहीं था। लेकिन इस तरह से जन्म हुआ टीएसटी का कि ये नाम किस तरह से आया, राइट। तो ये थी मेरी अब तक की स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमने एक्जेक्टली टीएसटी स्टार्ट कैसे की, और 21 साल में हमने 25 से भी ज्यादा क्लाइंट के साथ काम किया, 5 से भी ज्यादा कंट्री में काम किया, 10 से भी ज्यादा इंडस्ट्री में काम किया, और बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया, जैसे कि गूगल के एंजल इन्वेस्टर्स, हेज फंड मैनेजर्स, जिनको 100xVC और वाई कॉम्बिनेटर से फंडिंग वगैरह भी मिली हो, बहुत बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर्स एंड सीईओ। तो इस तरह के लोगों के साथ हमने किस तरह से काम किया, वो भी 1 साल से भी कम उम्र में। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए पूरी टीएसटी की जर्नी जानने के लिए, और आप इससे किस तरह से इंस्पायर हो सकते हैं, तो देखते रहे हमें। और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू मोटिवेट एंड इंस्पायर हिम, राइट। बाय बाय, सी यू गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो।